जिला शिक्षा केंद्र छतरपुर के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक आरएस भदौरिया पर भ्रष्टाचार सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच करने सागर से टीम पहुंची। दरअसल बीजेपी के बिजावर विधायक राजेश शुक्ला के पुत्र धनंजय शुक्ला ने एक शिकायत इन छात्रावासों के प्रभारी डीपीसी की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि डीपीसी इन छात्रावासों की वार्डन से रुपए की मांग कर कुछ अनैतिक चीजों की भी मांग करते हैं। इसके बाद सागर की टीम मामले की जांच कर रही है, जबकि आरोपी डीपीसी का कहना है कि जो शिकायत की गई थी वह फर्जी थी। लेकिन दो साल बाद अब जाकर सागर का टीम जांच करने आई और उन्होंने आरोपी डीपीसी पर लगे आरोपों की सफाई के लिए लिखित बयान दर्ज किए। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। इस तरह के आरोप लगे थे, क्या शिकायत की गई थी? झूठी शिकायत थी, फर्जी नामों से शिकायतें हो रही हैं और विभिन्न नामों से शिकायतें कर सही फर्जी निकलती हैं। क्या आरोप लगाए सर आपके? बेहद कोई भी आरोप लगा सकते हैं, आरोप किसी को कुछ भी लगाना हो जो भी लगा। अभी क्या लगाए? अभी शिकायत फर्जी की है कि वार्डनों के पास से ये पैसा वसूल करते हैं और लड़कियों को बुलवाते हैं, पूर्णतः झूठ है और निराधार है। हमको ये निर्देशित किया गया कि छतरपुर में दो जांचें हमारी लंबित हैं, तो उन जांचों के सिलसिले में एक जांच समिति गठित की गई। मैं अपने साथी पूर्व छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी श्री बरखड़े जी को लेकर के आया। रास्ते में हमने कुछ परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण किया और साथ में हमने जांच संपन्न करने के लिए पूर्व सूचना देकर के विधिवत छतरपुर जिले में जो कस्तूरबा गांधी RMSA के छात्रावास हैं उनकी वार्डनों को बुला करके उनसे अगली कार्रवाई हमने शुरू